কথাই বলে সিনেমার মতো ডায়লগ নাকি বাস্তবে চলে না, বাস্তবটা বড়ই কঠিন। আর তাই সিনেমার ডায়লগ সেটা শুধু বড় পর্দার জন্যই একদম তোলা থাকে। কিন্তু এই কথাটাকেই ভুল প্রমাণিত করল টলিউডের সুপারস্টার জিৎ মদনানি। তার দেশভক্তির প্রমাণ দর্শকেরা পেয়েছে 2019-এ প্যান্থার সিনেমার মাধ্যমে। তিনি সেখানে একবার নয় বলেছেন বারবার একটাই কথা, হিন্দুস্তান মেরি জান। সেদিন যে শুধুমাত্র সেটা কাজের ক্ষেত্রে বা সিনেমার স্বার্থে বলেছেন সেটা কিন্তু একদমই নয়। তিনি সত্যিকারের দেশকে ভালোবাসেন, দেশের ভালোর জন্য যতটা সম্ভব তিনি করতেও পারেন, আর সেটাই জিৎ এবার নিজে তার কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে সকলের সামনে। যেখানে অভিনেতা অভিনেত্রীরা দিনের পর দিন বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থাকে একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য, আর সেখানে জিৎ দর্শকদের ভালোবাসায় এবং মনোনীত হওয়া বেস্ট অ্যাক্টরের অ্যাওয়ার্ড ফিরিয়ে দিলেন, নিলেন না তিনি সেই অ্যাওয়ার্ড। কেন তিনি অ্যাওয়ার্ড ফিরিয়ে দিয়েছেন সেটা বস অর্থাৎ জিৎ নিজেই বলবে। কি বললেন তিনি চলুন শুনে নিন। মেরে প্যারে দোস্তো, ইস ওয়াক্ত वोटिंग के माध्यम से एक डिजिटल अवार्ड में मुझे श्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। मैं अपने फैंस और उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे काम को सराहा और अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे वोट दिया। वैसे पिछले कई सालों से मैंने अवार्ड से ज्यादा रिवॉर्ड्स पर ध्यान दिया है, क्यों और किस लिए इस पर कभी और चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब कोई अवार्ड मिलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है। घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैंस को और ट्रॉफी देकर घर के बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। पर अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं तो शायद कई लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि इस अवार्ड के साथ एक चाइनीज कंपनी बड़े रूप से जुड़ी हुई है। मुझे किसी से कोई परेशानी या शिकायत नहीं है, पर चूंकि इस वक्त उस देश के साथ हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, उनकी हरकतों से ना ही सिर्फ हमारे देश की संवेदनाओं को चोट पहुंच रही है बल्कि हमारे सैनिकों की जान भी जा रही है। ऐसे में इस अवार्ड को स्वीकारने में मेरा जमीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। हम सरहद पर जाकर हमारे सैनिकों की तरह लड़ तो नहीं सकते, पर अपने देश के लिए इतना कर ही सकते हैं। मैं इस अवार्ड को तब तक नहीं स्वीकारूंगा जब तक उस देश के साथ हमारे संबंध सुधर नहीं जाते। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस सोच से सहमत होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका प्यार हमेशा बना रहे, वही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, आपका जीत। जीतेर एक सिद्धांत के शॉर्ट फोकस कूर्निश जानाए और बोलते चाहे, जीत तुम्हें सत्यिकारेर पैंथर, तुम्हें बॉस।